हिमाचल प्रदेश में मतदान खत्म, शाम 5 बजे तक 66% मतदान, क्या इस बार बदलेगा रिवाज। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो गया है। शाम 5 बजे तक हिमाचल प्रदेश में लगभग 66% मतदान हुआ है। सुबह 8 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थी। इस बार प्रदेश के 412 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। इनमें 24 महिलाएं भी शामिल हैं। हिमाचल की मतगणना 8 दिसंबर को होनी है। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में सभी 52 मतदाताओं ने मतदान किया। यहां 100% मतदान कर मतदाताओं ने इतिहास रच दिया। आइए जानते हैं मतदान का जिलेवार आंकड़ा। लाहौल स्पीति 67%, बिलासपुर 66%, हमीरपुर 65%, कांगड़ा 64%, किन्नौर 62%, कुल्लू 65%, मंडी 66%, शिमला 65%, सिरमौर 70%, सोलन 68%, ऊना 68%, चंबा 63%। विधानसभा चुनाव की बात करें तो राज्य में मौजूदा सरकार को बाहर कर हर बार नई सरकार लाने का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। उत्तरी राज्य के हर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हिमाचल प्रदेश में इस बार हर 5 साल पर सरकार बदलने का रिवाज बदलेगा। 1985 कांग्रेस ने 58 सीटें जीती थी, बीजेपी सिर्फ 7 सीटें जीत पाई थी। 1990 बीजेपी को 46 सीटें मिली थी, कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1993 कांग्रेस ने 52 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1998 कांग्रेस और बीजेपी को 31-31 सीटें मिली थी। 2003 कांग्रेस ने 43 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 16 सीटें जीती थी। 2007 बीजेपी ने 41 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 23 सीटें जीती थी। 2012 कांग्रेस ने 36 सीटों के साथ फिर सरकार में वापसी की थी। 2017 बीजेपी ने 44 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। 2022 में क्या होगा? 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जहां सत्ता विरोधी लहर पर सवार है, वहीं जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार लगातार दूसरे कार्यकाल पर नजर गड़ाए हुए है। बीजेपी का दावा है कि इस बार हिमाचल की जनता रिवाज बदलेगी और फिर सत्ता में बीजेपी लौटेगी। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हिमाचल की जनता से रिवाज को बनाए रखने की अपील की है। अब देखना होगा 8 दिसंबर को आने वाले नतीजे में क्या राज्य में बीजेपी सत्ता में लौटती है या सत्ता विरोधी रुझान के कारण उसे हार का सामना करना पड़ता है।